हे गाइस, व्याडू की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर अपनी एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पे ट्रांसफ़र करना जानेंगे, माइग्रेट करना जानेंगे। यदि आपको एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो सिंपल एक प्लगइन है। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है और आप माइग्रेट करना चाहते हो वन क्लिक में, तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एक जॉब, सरकारी जॉब साइट है और इसे हम माइग्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा वर्डप्रेस में। आप देख रहे हो मैंने लोकल होस्ट पे ये क्रिएट कर रखी है, तो सिंपली इसको मैं जो है अपने दूसरे एड्रेस पे, दूसरी डायरेक्टरी में मैं सिंपली करूँगा, जो कि एक ये वेबसाइट है। आप देखोगे इस पे कुछ नहीं है, बट ये है, ये एक बिल्कुल प्रॉपर वेबसाइट है। तो मैं सिंपली प्लगइन पे जा रहा हूँ, और प्लगइन पे जाने के बाद इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे काम हो रखे हैं, बहुत सारे पेज क्रिएट हो रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखी है। तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ माइग्रेट। मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से प्लगइन आते हैं। एक है ऑल इन वन WP माइग्रेट, एक है डुप्लीकेटर वर्डप्रेस माइग्रेट। मेरे को दोनों ही पसंद है, दोनों के अलग अलग काम है। इसमें थोड़ा प्रीमियम में आपको कई सारी चीज़ें मिलती है, बट फिर भी इससे काम हो जाता है। मैं डुप्लीकेटर माइग्रेट, ये बिल्कुल वर्डप्रेस के पूरे वर्डप्रेस के साथ ही माइग्रेट कर देता है, यानी पूरा वर्डप्रेस का ही बैकअप दे देता है, जिससे कि आपको वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अभी क्या करेंगे हम, हमने वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल कर रखा है, तो सिर्फ हमें उसका लेआउट चाहिए, हमें उसकी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हम सिर्फ ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर मैंने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल नहीं कर रखा होता अपने डोमेन के ऊपर, तो मैं सिंपली डुप्लीकेटेड वर्डप्रेस माइग्रेशन का इस्तेमाल करता। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि इन फ्यूचर जो भी मैं आपको टेम्पलेट देने वाला हूँ, या मैं जो भी फ्री साइट क्रिएट करके दूंगा, वो आप वन क्लिक में अपने लिए आप इंस्टॉल कर पाए और चेक कर पाए। ठीक है, तो अभी के लिए हमने कर लिया है इंस्टॉल, और देखते हैं हमारा है ये ऑल इन वन WP माइग्रेशन, यहाँ नीचे आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का। हमें अभी एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें इसका जो भी लेआउट है उसे एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इस वाले में जाके हम इंपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पे हैं हम, एक्सपोर्ट ऑल आ रहा है, हम इस पे फाइल पे क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी पूरी साइट का जो साइज़ है वो 78 MB है। सिंपली मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, मैं अभी के लिए क्लोज कर रहा हूँ। और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन थे, अगर आपको जो चीज़ नहीं चाहिए था वो भी आप यहाँ से हटा सकते थे, जैसे कि स्पैम कमेंट नहीं चाहिए या प्रीवियस पोस्ट नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कर सकते थे, जिससे कि इसका साइज़ भी और भी अलग होता। अगर ऐड न्यू पे क्लिक करके करते तो आपको वो अदर है, ये यानी टेक्स्ट रिप्लेस करना है, एंकर टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अभी के लिए हमने यहाँ कुछ नहीं करा, हमारे पास इसका बैकअप आ गया। और अब सिंपली ये मेरी न्यू वेबसाइट है, आप देख रहे हो इसके अंदर कुछ नहीं है, और इसका ये एडमिन पैनल है। सिंपली क्या करूँगा, मैं इसमें प्लगइन्स में जाऊँगा और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन, क्या कौन सा करना पड़ेगा हमें, यही वाला करना पड़ेगा, WP माइग्रेट वाला। और सिंपली मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइग्रेट, और ये वाला इंस्टॉल करने के बाद हमें इस बार करना होगा इम्पोर्ट। हमने पहले क्या करा था, हमने करा था एक्सपोर्ट, बट इस बार इम्पोर्ट करेंगे, और इम्पोर्ट के लिए हम इस फाइल का इस्तेमाल करेंगे, इस फाइल को इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे इम्पोर्ट का, एंड यहाँ पे बोला कि फाइल डालिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फाइल, और बोला योर फाइल एक्सीड द मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 40 MB, तो कैसे इंक्रीज करना है इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है आपको अपने जो भी आप यूज कर रहे हो आपको उसमें वो डालना पड़ेगा। लाइक अभी के लिए हमारा मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज़ है वो ये है। अगर आप लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली ये चेंज कर सकते हो, बट अगर आप लोकल होस्ट यूज़ नहीं कर रहे, लाइक मैं, तो मैंने अभी के लिए जैम्प में जाके यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया है। सिंपली मैंने STXS फाइल में, जो कि मेरा लोकेशन था, STXS फाइल में मैंने ये सिंपली पेस्ट कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप देखोगे ये रहा हमारा, ये वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी। और यहाँ पे जब मैंने फिर दोबारा इसे स्टॉप ऑन करा, तो सिंपली मेरे पास आ गया कि आपके पास 128 MB का है,
कि आप अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली अभी के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे अपलोड हो भी गया बहुत जल्दी, एंड कुछ देर में ये हो जाएगा, एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास आ रही है कि भाई से परमानेंट स्ट्रक्चर, और वो ओपन न्यू विंडो में आप रिव्यू कर सकते हो। फिनिश मैंने करा, ये बोला हमारी तरफ से फिनिश हो गया, अपलोड हो गया। मैं प्लगइन्स में अगर जाऊँ, और मैं एक बार दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉग आउट हो जाता है जब ऐसा होता है, क्योंकि उसने चेंजेस करें। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे के सारे हमारे पास प्लगइन आ गए, सब चीज़ आ रही है हमारे, वो पेस्ट पोस्ट वो सारी चीज़ें आ गई। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ अभी के लिए हमारा ये था, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो आप देखोगे हमारी सरकारी नौकरी की जो वेबसाइट है वो पूरी क्रिएट होगी वन क्लिक में। यानी कि हमने दूसरे होस्ट से दूसरे होस्ट पे हमने करा ये, हालांकि आप देख रहे होंगे लोकल होस्ट से लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ, बट लोकल होस्ट से आप लाइव सर्वर पे करोगे तब भी आपका ऐसे होगा, लाइव सर्वर पे से लाइव सर्वर यानी कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे करोगे तब भी आपका ऐसे होगा। तो ऐसे ये पूरा पूरा काम करता है। बट अगर आपको विद फुल वर्डप्रेस चाहिए तो आप सिंपली डुप्लीकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इसके साथ जो अलग प्लगइन आ रहा था ना उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वैसे करने में। बाकी मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं माइग्रेट। और इन फ्यूचर जब आपको वीडियो मिलेगी जिसमें हमने फ्री की सारी चीज़ें यूज़ कर रखी होगी, तो आप इसका पूरा का पूरा बैकअप भी ले पाओगे, जिसको आप वन क्लिक में अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट कर पाओगे और इसका इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो हमारे पास यही है, बट इन फ्यूचर अगर आपको और भी चाहिए तो आपको मिलेगा। बट इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर माइग्रेट करने में अगर आपको और कोई दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हो, ये तो ऑटोमेटिक था प्लगइन के थ्रू। मेरे को मालूम है कई लोग मैन्युअली सोच रहे होंगे कि मैन्युअली भी कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो भी हम इन फ्यूचर में देख लेंगे। बट इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद ये था कि इन फ्यूचर में मैं जो वीडियो दूंगा, जो मैं वीडियो दे भी चुका हूँ, क्योंकि आप जाओगे एवरी डे यहाँ पे ये सारी है, तो इनके भी आपको पूरा का पूरा बैकअप मिलेगा, तो वो भी आप इस्तेमाल करके वन क्लिक में कैसे बना सको, तो इस वीडियो से आप जान पाओगे कि हाँ कैसे हमें करना है। तो इसलिए ये वीडियो थी। दिक्कत आए कमेंट कर सकते हो, पसंद आए लाइक कर सकते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ये चैनल ऐसी और भी वीडियो के लिए, बेल आइकन दबाना जिससे कि और भी ऐसी नई वीडियो आपको देखने को मिले। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।